नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारी की एक पत्नी के जीवित रहते नियम 29 के तहत सरकार की अनुमति लिए बगैर दूसरी शादी करने के आरोपी को दंडित करने के राज्य लोक सेवा अधिकरण के फैसले पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है और इसे सजा का पात्र बताया है। भारत में क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता देने की चर्चाओं के बीच इसे लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक यह लगभग तय है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी पर दरवाजे बंद करने के मूड में नहीं है, पर इस पर एक अलग दृष्टिकोण और बीच का रास्ता अपनाया जा सकता है। वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कृष्ण राव कराड ने इंडिगो फ्लाइट में एक शख्स को प्राथमिक उपचार देकर उसकी जान बचा ली, जिसके बाद उनकी जमकर तारीफ हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ करते हुए ट्वीट किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा कि हमेशा दिल से डॉक्टर सहयोगी भागवत कराड ने शानदार काम किया। भागवत कराड ने पीएम मोदी के ट्वीट के जवाब में कहा, मैं आभारी हूँ। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसे आप बार बार देखने और सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दरअसल इस वीडियो में विदेशी लड़की बेहद खूबसूरत अंदाज में हनुमान चालीसा पढ़ती नजर आ रही है। हमें यकीन है कि आप इस बात को जानकर हैरान तो जरूर होंगे, उसके साथ ही आप इसे सुनने के लिए भी काफी एक्साइटेड होंगे। शेयर मार्केट के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला ने उड्डयन क्षेत्र में अपनी धमाकेदार एंट्री की तैयारी कर ली है। झुनझुनवाला के स्वामित्व वाली अक्सा एयरलाइन ने दुनिया की सबसे बड़े विमान निर्मित कंपनी बोइंग को 72 बोइंग 737 मैक्स विमान की आपूर्ति को ऑर्डर दे दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने जोर देकर कहा है कि वो सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई जारी रखेगा। भारत की यह प्रतिक्रिया सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद आई है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख CNN की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को लग रहा है कि उन्हें प्रमुख कामकाज से अलग थलग किया जा रहा है। व्हाइट हाउस के अंदरूनी सूत्रों ने CNN को बताया है कि कमला हैरिस और उनके शीर्ष सहयोगी सीमा संकट जैसे मुद्दों को लेकर बाइडेन से निराश है। वहीं टीम बाइडेन को लगने लगा है कि हैरिस से जैसी अपेक्षाएं थी वो उन पर खड़ी नहीं उतर रही हैं, जिसमें कमला हैरिस के निकलने की बात भी सामने आ रही है। भारतीय वायुसेना अब और ज्यादा ताकतवर हो गई है। चीन के साथ लगातार चल रहे विवाद की वजह से उत्तरी और पूर्वी सीमा को सुरक्षित करने के लिए अब इंडियन एयरफोर्स को नई सटीक और ताकतवर मिसाइल मिल गई है। यह मिसाइल खतरनाक हथियार है, जो दुश्मन पर गिरेगी तो उसे जड़ से खत्म कर देगा। फ्रांस से भारत को हैमर मिसाइल मिली है, जिसे LCA तेजस फाइटर में लगाया जा रहा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली को ICC की बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। इस पूर्व भारतीय कप्तान को ICC की क्रिकेट समिति का चेयरमैन बनाया गया है। वो हम वतन अनिल कुंबले का स्थान लेंगे, जो 9 साल तक इस पद पर रहे हैं। अनिल कुंबले के पद पर 9 साल रहने के बाद गांगुली को ICC की क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। गांगुली को समिति में पर्यवेक्षक के पद पर प्रमोट किया गया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर मामले में 16 नवंबर 2021 को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगादुब ने कहा है कि कर्नाटक सरकार से सवाल किया है कि आखिर अनुमति से पहले 16 मस्जिदों द्वारा लाउडस्पीकर का उपयोग किस प्रावधान के तहत हुआ और ध्वनि प्रदूषण के मद्देनजर इन्हें प्रतिबंधित करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइन को सभी घरेलू उड़ानों में भोजन परोसने की अनुमति दे दी है। कोरोना महामारी की वजह से 15 अप्रैल से एयरलाइनों को 2 घंटे से कम अवधि वाली उड़ानों में भोजन परोसने की अनुमति नहीं थी। पटना का पहला अंडरपास चालू, पटना में बेली रोड पर सीधे पहुंचेंगी अब गाड़ियां। अब सर्कुलर रोड अंडरपास में एयरपोर्ट, CM हाउस, राजभवन, सचिवालय आदि इलाकों में गाड़ियां सीधे बेली रोड पहुंचेंगी। सोमवार की सुबह से ललित भवन के पास बने अंडरपास में गाड़ियां निकलने लगी। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में बंद नाइजीरिया के नागरिक सोलोमोन अलिगवू और युगवूम सिनाची ओनिया को मंगलवार को रिहा कर दिया गया है। दोनों विदेशी अधिनियम उल्लंघन में दोषी पाए जाने पर करीब 2.5 साल से सजा काट रहे थे। सीतामढ़ी कोर्ट ने दोनों को 3 साल की सजा सुनाई थी। बिहार और झारखंड के लोगों के लिए खुशखबरी है। रामगढ़, कोडरमा, हजारीबाग, रांची वाया बरकाकाना रेल परियोजना में नवनिर्मित रेल लाइन पर मार्च 2022 से रेलगाड़ियां दौड़ने लगेंगी। इस लाइन के चालू होने के बाद रांची से पटना की दूरी घट जाएगी। ये यात्रा 13 घंटे के बजाय 11 घंटे में पूरी हो सकेगी। वहीं रांची मुरी बरकाकाना 3 घंटे के बजाय मात्र 1 घंटे में पूरा होगा। ट्रेनों के जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अगर सब कुछ सही रहा तो यात्रियों को कम पैसे में ही AC कोच में सफर करने का आनंद मिल सकता है, क्योंकि रेलवे जनरल कोच को AC कंपार्टमेंट में बदलने की तैयारी हो रही है। रेलवे लंबी दूरी की ट्रेनों में जनरल कोच यानी सामान्य डिब्बों को AC डिब्बों में बदलने का विकल्प तलाश रहा है।
प्रदूषण के हालातों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में बुधवार को एक बार फिर से सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने अदालत में हलफनामा दाखिल करते हुए बताया कि उसके लिए अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम मोड में भेजना संभव नहीं है। कंगना रनौत ने हाल ही में एक नए विवाद को जन्म देते हुए दावा किया है कि सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह को महात्मा गांधी से कोई समर्थन नहीं मिला। उन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसा के मंत्र का मजाक उड़ाते हुए कहा कि दूसरा गाल आगे करने से भीख मिलती है, ना कि आजादी। कंगना के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर बवाल मच गया है। अब महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने भी कंगना रनौत पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कंगना रनौत सिर्फ लाइमलाइट में रहना पसंद करती है, इसलिए वो उलझुल बातें करती रहती हैं। उनका कहना है कि मुझे नहीं लगता है कि इस पर हमें कोई भी कॉमेंट करना चाहिए, हमें उसे बड़ा नहीं बनने देना चाहते, नो कॉमेंट। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी के पीछे पैदल चलते दिखाई पड़े। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि पीएम मोदी अपनी कार में बैठे हैं, उनके आसपास तमाम सुरक्षाकर्मी हैं, जबकि सीएम योगी पीछे पैदल चल रहे हैं। मोदी की कार के पीछे चलते सीएम योगी की इस तस्वीर पर चुटकी लेते हुए रिटायर्ड IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने मजाकिया अंदाज में कहा, वो लाचार सा पीछे दौड़ता रहा, आखिर क्यों। झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन की सरकार है और उनके ही विधायक अब टाटा स्टील, टाटा मोटर सहित टाटा कंपनीज का बुधवार को गेट जाम करने की तैयारी में थे। ऐसे में सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स सहित आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन ने इसका विरोध किया था। वीरदास ने हाल ही में कहा था कि मैं एक ऐसे भारत से आता हूं जहां दिन में स्त्री की पूजा होती है और रात में उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। उसके बाद अब कंगना ने वीरदास पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जब आप सभी भारतीय पुरुषों को सामूहिक बलात्कारी के रूप में सामान्यकृत करते हैं तो यह दुनिया भर में भारतीय के खिलाफ नस्लवाद को बढ़ावा देता है। टेलीविजन जगत के जाने माने लोकप्रिय शो कुंडली भाग्य की मशहूर अभिनेत्री श्रद्धा आर्या ने मंगलवार को राहुल से शादी कर ली है। अभिनेत्री की शादी की तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर छाई हुई है। वहीं बहुत वक्त से श्रद्धा की शादी की खबरें चर्चाओं में भी थी और उनके सभी प्रशंसक दूल्हे का चेहरा देखना चाहते थे और अब फाइनली श्रद्धा के दूल्हे की तस्वीर भी सामने आ गई है। भारत के साथ बुधवार से शुरू होने जा रही 3 मैचों की T20 सीरीज से पहले न्यूजीलैंड की टीम को एक और बड़ा झटका लगा है। कप्तान केन विलियमसन के बाद अब तेज गेंदबाज काइल जेमिसन भी T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। जेमिसन ने टेस्ट सीरीज के लिए खुद को तरोताजा रखने के लिए T20 सीरीज से हटने का फैसला किया था। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को जम्मू स्थित पार्टी कार्यालय से समर्थकों के साथ रैली निकाली। उन्होंने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। रैली के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ कश्मीरियों की जान लेना बंद करो के नारे भी लगाए। सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से आज 13वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 12 दिन के बाद भी पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव ना होने से उपभोक्ताओं को काफी राहत मिल रही है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले देश के महानतम क्रिकेटर और भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर देर रात सीएम हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर मंगलवार को मध्य प्रदेश पहुंचे थे, जहां उन्होंने बाल आश्रम श्री रामकृष्ण सेवा कुटीर संस्थान के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सचिन ने कहा कि संस्था में 560 बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं, जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ वर्चुअल समिट में चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने चीन को शांतिप्रिय देश के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट बताती है कि जिनपिंग ने बैठक में कहा है कि चीन ने कभी किसी युद्ध की शुरुआत नहीं की है और न ही किसी देश के एक भी इंच जमीन पर दावा किया है। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हेलीकॉप्टर के लैंड करते ही भिवानी जिला उत्साह के रंग में डूब गया है। उनके साथ देश की प्रथम महिला सविता कोविंद भी पहुंची और राष्ट्रपति के दौरे से गांव सुई और आसपास के क्षेत्र में काफी खुशी का माहौल देखने को मिला। राष्ट्रपति का राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वागत किया। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़े हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत मायने रखती है। अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र में इस स्कीम को शुरू करेगा तो हर महीने 200 रुपए जमा करने होंगे। 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद पेंशन के रूप में उन्हें 3000 रुपए महीना मिलना शुरू हो जाएगा, यानी 36000 रुपए साल मिलेंगे। वहीं इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट और आधार कार्ड होना आवश्यक है। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 10,197 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,44,66,598 पहुंच गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,28,555 हो गई है, जो 527 दिन में सबसे ज्यादा कम है।
सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसे आप बार बार देखने और सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दरअसल इस वीडियो में विदेशी लड़की बेहद खूबसूरत अंदाज में हनुमान चालीसा पढ़ती नजर आ रही है। हमें यकीन है कि आप इस बात को जानकर हैरान तो जरूर होंगे, उसके साथ ही आप इसे सुनने के लिए भी काफी एक्साइटेड होंगे। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है खान सर, यूपीएससी, नुनू कुमार, जयेंद्र कुमार, रघुनाथ प्रसाद, अरविंद कुमार, कोमल रंजन, नितेश कुमार, संजीत राज, नंदन चंद्रवंश, रोहित ठाकुर, फुरकान अंजुम, राजेश कुमार, चंदन गिरी, परवेज आलम, विनय कुमार, मिथिलेश कुमार, सुमित्रा रंजन। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कंगना के 1947 में नहीं बल्कि 2014 में आजादी मिलने वाले बयान से आप सहमत है या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।